फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास लेनोवो थिंकपैड जो आया है लैपटॉप T440 है। इसका हिंच टूटा हुआ है, आप देखोगे ये हिंच ब्रेक हो रखा है, हिंच बारह रखा है, स्क्रीन अलग अलग हो रखी है। इस मॉडल में टूटता तो बहुत ही कम है, या तो इसको झटका लगा हो या ये गिरा हो, ज्यादा पीछे तक गया हो, इस वजह से इस मॉडल में ये हिंच टूटता है। वैसे अमूमनली नहीं टूटता है इसका हिंच। ये मॉडल बहुत ही हैवी होता है, हैवी ड्यूटी मॉडल होता है, या तो इसमें झटका लग जाए या उस वजह से टूटता है, या फिर आपको कोई हिंच वगैरह या स्क्रू वगैरह लूज हो जाए जब टूटता है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे, इसकी बॉडी रिपेयर करके इसके हिंच बनाने हैं, वही हम आपको दिखाते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब हम इस लैपटॉप को खोलेंगे और खोलने के बाद ये लैपटॉप दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट होता है जिसमें मदरबोर्ड और कीबोर्ड लगा होता है और दूसरे पार्ट में स्क्रीन लगी होती है। आप ये देख सकते हैं कि इस लैपटॉप का हिंज टूटा हुआ है। हम इस टूटे हुए हिंज को चेंज करेंगे और इसकी बॉडी को रिपेयर करेंगे, जिससे कि यह लैपटॉप पहले की तरह ही खुल और बंद हो सके। इस काम को बड़ी सावधानी से करना होता है, क्योंकि अगर आप हल्की सी भी गलती करोगे तो स्क्रीन टूटने के भी चांस बन जाते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी वायर लगी होती है, अगर कोई भी वायर टूट जाएगी तो स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं आएगा। तो इस काम को बड़ी ही प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है और इसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपके लैपटॉप की भी बॉडी टूट गई है या हिंज टूट गए हैं और वह रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, या आपके आसपास ऐसा कोई सर्विस सेंटर नहीं है जो इसको अच्छे से रिपेयर कर सके, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हम आपके लैपटॉप को इस तरह से फिक्स कर देंगे कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपका लैपटॉप पहले कभी टूटा था। यह बिल्कुल नए की तरह काम करेगा। और आप यह भी जानना चाहते होंगे कि इस लैपटॉप को रिपेयर करने में कितना खर्चा आएगा। अगर आपके लैपटॉप के हिंज और बॉडी दोनों टूट गए हैं तो इसको फिक्स करने में 1200 से 1400 रुपए का खर्चा आएगा। ये क्वेश्चन भी लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि लैपटॉप के हिंज क्यों टूटते हैं। तो इसका मेन कारण जो हमने अपने पिछले 15 सालों के एक्सपीरियंस से पाया है कि अगर आपके लैपटॉप के स्क्रू ढीले हो जाते हैं और आप उसे टाइम से फिक्स नहीं करवा पाते तो लैपटॉप के हिंज टूट जाते हैं। दूसरा मेन कारण होता है फिजिकल डैमेज का। अगर आपका लैपटॉप गिर जाए तो भी लैपटॉप के हिंज और बॉडी टूट जाते हैं। और इसका तीसरा मेन कारण होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का। ऐसी कंडीशन में कंपनी का डिजाइन ही खराब होता है और प्रीमैच्योर ही लैपटॉप के हिंज टूट जाते हैं। रहते कि इस लैपटॉप का हिंचेज है जो पूरी तरह से उखड़ा हुआ था, अभी आप देख रहे हैं कि हिंचेज चेंज करने के बाद प्रॉपर फिटिंग हो गई है। और आप पीछे से देखोगे तो ये जो लैपटॉप का फिटिंग है वो प्रॉपर हो चुका है। और ये देखो, आप इधर से देखोगे तो लैपटॉप आपको चलता हुआ नजर आएगा। तो अगर जो आपके पास भी कोई ऐसा थिंकपैड का लैपटॉप है या फिर कोई भी लैपटॉप है और उसके हिंचेज उखड़ के बाहर आ चुके हैं, तो आप सूरज कंप्यूटर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर जो हमारा वीडियोज आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो हमारे वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अपने परिवार में शेयर करें, ताकि ये जो जानकारियां हैं वो आपके दोस्तों और आपकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, जिसका वो फायदा उठा सके। और ऐसी कोई भी काम के लिए आप सूरज कंप्यूटर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।